नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके के 200 क्वेश्चंस का एक वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो वन लाइनर में है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। 2019, 2018 और इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में है तो कम समय लगेगा आपको 200 क्वेश्चंस कवर कराने में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके लिए आपका एक अच्छा रिविज़न करा देंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तकला माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला माकन मरुस्थल चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मोर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खनिज क्या है, अकार्बनिक, ठोस, द्रव या गैस? तो इनमें से खनिज जो है अकार्बनिक ठोस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हैं, नंदा देवी पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है, नंदा देवी पर्वत शिखर। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड में डकैती की घटना कब हुई थी? तो काकोरी कांड में डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके अपना सजेशन दे सकते हैं, हम आपके कमेंट को ज़रूर फॉलो करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध, कोयना नदी पर है, कोयना नदी पर कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सूरसेन के नाम से मथुरा के आसपास के क्षेत्र को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र किस महाजनपद में आता था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी? तो ये मल्ल राइट आंसर हो जाएगा, मल्ल नाम के महाजनपद में आता था जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में 2-3 बार पूछा गया है, SSC में भी आया हुआ है और PCS के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। ये जो महाजनपद काल और महाजनपद हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इनको तो आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चंस हो तो उनको अच्छे से रिवाइज करके जाया करिए हर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय जो है आगरा में बनाया गया था, राइट आंसर हो जाएगा आगरा, आगरा जो है आपका ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, गोवा राज्य की राजधानी पणजी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है गोवा राज्य की राजधानी। गोवा के वर्तमान CM कौन है, मैंने CM वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया है लाइव क्लास में, आपको अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है? तो टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है स्वामी राम तीर्थ सागर। क्या नाम है? स्वामी राम तीर्थ सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन जो है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। वर्तमान में चीन तो है कोरोना वायरस के कारण बड़ा परेशान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत कबीर ने किस स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया था? तो मगहर में संत कबीर जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, याद कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो क्वेश्चन हम रेयर पढ़ते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम के फेवरेट होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को याद करके रखिएगा। अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो अयोध्या को प्राचीन काल में अयाजसा, अयाजसा नाम थोड़ा टिपिकल है लेने में लेकिन याद कर लीजिएगा, अयाजसा के नाम से अयोध्या को प्राचीन काल में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 ईस्वी में घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट कौन से शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट जो है जमशेदपुर टाटा की नगरी, काफ़ी ज़्यादा जमशेदपुर जी टाटा, ये भी इस नाम से भी फेमस है ये जगह। तो भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट जो है जमशेदपुर में
स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए अंकलेश्वर जाना जाता है। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? क्वेश्चन नंबर 22 है, तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा प्राचीन काल में। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के सदस्य थे चंद्रशेखर आजाद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस देश से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। जनरली आपने अशोक वृक्ष को तो देखा ही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 26वें नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते समय किस मुगल शासक ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो औरंगजेब नाम के शासक ने आलमगीर की उपाधि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठते समय धारण की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात किस शासक ने अपने को दिल्ली का पहला सुल्तान घोषित कर दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश के बारे में है, गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए रक्त और तलवार की कठोर नीति अपनाई थी? तो रज़िया सुल्तान इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गुलाम वंश के किस शासक ने दिल्ली को मजबूत बनाने के लिए रक्त और तलवार की कठोर नीति अपनाई थी? ये क्वेश्चन डाउटफुल है, इसको थोड़ा आप साइड करिए। क्वेश्चन नंबर 28 डाउटफुल है, इसको आप छोड़िए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था? रक्त और लोह की नीति बलबन ने अपनाई थी। 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? तो 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली के सिंहासन पर नसीरुद्दीन बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो दिल्ली के मुगल शासक शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कोशिकाएं पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उनका मार्ग रोकती हैं? तो प्लेटलेट्स ऐसा काम करती हैं, रक्तस्राव के जगह पर रुधिर का थक्का बनाकर उनके मार्ग को रोक देती हैं, रक्त को बहने से, बाहर बहने से मतलब खराब होने से रोक देती हैं। ऊतक क्या है? तो ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत करते हैं? तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन, खसरा रोग किसके द्वारा फैलता है? तो खसरा रोग प्रोटोजुआ के कारण फैलता है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, हाथी पांव जिसको एलिफेटाइसिस कहते हैं, यह इसका कारण क्या है? तो वॉचेरिया के कारण हाथी पांव रोग या एलिफेटाइसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यादी बुखार शरीर का कौन सा अंग रोग से प्रभावित करता है? तो म्यादी बुखार से आंतें प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मनुष्य का कंकाल तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो मनुष्य का कंकाल तंत्र 1 भाग से मिलकर बना होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड का समय लगता है शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होती है? तो मनुष्य में भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में परिपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव जो है जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर शहर के रूप में मान्यता मिली है और सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रकार हैं? तो भारत की 4 प्रकार की मिट्टी हैं क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मी लिपि किस तरफ से लिखी जाती है? तो बाएँ से दाएँ ओर लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। टाइगर वुड नाम के एक व्यक्ति हैं, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये गोल्फ खेलते हैं टाइगर वुड्स। एग्जाम में कई बार स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऑप्शन में ये क्वेश्चन आता है।
फ्लाई शटल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फ्लाई शटल का प्रयोग बुनाई के लिए किया जाता है। मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक जो है जयचंद था। कन्नौज का शासन जयचंद के हाथ में था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अर्थात NTPC द्वारा पहले विद्युत केंद्र की उपकेंद्र की स्थापना कहां पर की गई? तो ये सिंगरौली में की गई है। कहां पर की गई है? सिंगरौली पर की गई है, थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है बाबतपुर हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, अमौसी हवाई अड्डा, तो अमौसी हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये आगरा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, एक ना एक हवाई अड्डा एग्जाम में पूछा जाता है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो कानपुर में है चकेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया है आपके लिए। मुगल शासक अकबर के बचपन में संरक्षक कौन थे? तो बैरम खान मुगल शासक अकबर का बचपन में संरक्षक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो सब जानते हैं दिल्ली को, उत्तर प्रदेश की सीमा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का नाम क्या है? तो बारह सिंगा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन जो हैं यूपी दिल्ली और दक्षिण भारत के आते हैं, तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो छोड़ा मत करिए, कहीं से भी मिले इनको पढ़ के रखा करिए। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अपना अधिकार कब स्थापित किया? तो 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर ने दिल्ली की सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली को विधिवत रूप से किसने बसाया था? तो तोमर राजपूतों ने दिल्ली को विधिवत रूप से बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवप्रयाग में भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलने के कारण भागीरथी नदी गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, देवप्रयाग में भागीरथी नदी में कौन सी नदी मिलने के कारण भागीरथी नदी गंगा नदी के रूप से आगे प्रवाहित होती है? तो अलकनंदा मिलती है भागीरथी नदी में, आगे जाकर ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? तो अग्नि की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक सम्राट ने सांची का स्तूप बनवाया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सांची का स्तूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहारी किस काल से संबंधित कवि हैं? तो रीति काल से संबंधित हैं बिहारी कवि। प्रथम विश्वयुद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, नृत्य शैली से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी भाषा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विश्व का 73 नंबर का क्वेश्चन, विश्व का सबसे ज़्यादा कोबाल्ट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो जायरे इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, विश्व का सबसे ज़्यादा कोबाल्ट उत्पादन करने वाला देश। बॉक्साइड में क्या निकाला जाता है? तो बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, अयस्क से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली SI में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो केला सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन करते हैं, केला एक पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन हमेशा आता है जब आपने 10th पास की होगी, उसके बाद हर एग्जाम में आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। शुष्क शैल में एनोड किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट का बना होता है शुष्क शैल में एनोड। युआन किस देश की मुद्रा है? चीन की मुद्रा है। चीन से संबंधित सारे फैक्ट याद कर लीजिएगा, कोरोना वायरस चीन को एग्ज़ाम में लेकर आएगा, सारे क्वेश्चन चीन के पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। जो चीज़ फेमस होती है, चर्चा में रहती है, उससे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। रेल इंजन का आविष्कारक कौन था? रेल इंजन का आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो समानता के अधिकार के तहत कानून की नज़र में सभी समान हैं। भारत में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? तो मुंबई से ट्रेन चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और कितने किलोमीटर चली थी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है दिल्ली में। भारत का सबसे पहला बैंक, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान या बैंक ऑफ हिंदुस्तानी, ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर देंगे, दोनों आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे है? तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे लाइन बिछाई थी। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किन प्रदूषणों के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है? तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा बहुत खतरनाक होती है। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनवी ने भारत पर। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनते हैं? तो राष्ट्रपति जी चुनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा, चुनता है लोकसभा के अध्यक्ष को, सदस्य मिलकर भी चुनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुगलक नामा के रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए, किसी भी व्यक्ति की आयु। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण 30 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित था? तो शंशबनी वंश से संबंधित है मोहम्मद गौरी। एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का टॉप मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं, उच्च सदन, निम्न सदन। उच्च सदन कौन सा है, निम्न सदन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक। कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य के चक्कर लगाता है? तो बुध ग्रह 88 दिन में सूर्य के चक्कर लगा देता है सबसे तेज गति से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, टी स्केल पर किसका मापन करते हैं? तो चक्रवातों की शक्ति का टी स्केल पर मापन करते हैं। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? तो यामिनी वंश का शासक था महमूद गजनवी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराण कुल 18 हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71% हाइड्रोजन रहती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेख से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आता है, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो बेबी लोन पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध बितास्ता का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो सिकंदर और पोरस के बीच में प्रसिद्ध बितास्ता का युद्ध लड़ा गया था। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो हमारी आकाशगंगा का आकार अंडाकार है।
प्राचीन लोकतंत्र की छोटी इकाई कौन सी है? तो भारतीय लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत भारतीय लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है। डबल बफरिंग से क्या मतलब है? तो समांतर डाटा प्रोसेसिंग और डेटा स्थानांतरण, ये दोनों ही मिलकर डबल बफरिंग शब्द को बनाते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है। कब स्थापित हुई थी, कब ये बनाई गई थी, ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चंस में बताया है। स्टार्टिंग के वीडियो का पहले से लेकर 20 तक के क्वेश्चन के बीच में इसका आंसर है। एक बार फिर से आप देखकर अपना आंसर कंफर्म कर लीजिए। अगले क्वेश्चन, पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध जो है लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन जो है चंद्रगुप्त को कहते हैं। भारतीय नेपोलियन किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त को। आर्यभट्ट प्रसिद्ध क्या थे? तो आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलविद्ता थे। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के दो संप्रदाय हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। किसके संप्रदाय हैं? जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी हुई है। भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल के बाद में जनगणना की जाती है। कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप CFC के नाम से जानते हैं, वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, लाल रक्त कणिकाएं अर्थात WRBC रेड ब्लड सेल्स किस अंग में बनती हैं? तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स बनती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा रक्त वर्ग हर वर्ग के मनुष्य को दिया जा सकता है? तो वर्ग ओ, ब्लड ग्रुप ओ का रक्त जो है हर वर्ग के मनुष्य को दिया जा सकता है। ताज एक्सप्रेस किन शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेस वे रोड है, सड़क है, हाईवे है। ताज एक्सप्रेस वे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है ताज एक्सप्रेस वे। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सुविख्यात सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क उड़ीसा में सुविख्यात सूर्य मंदिर है। येन किस देश की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा है येन। किस शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे? टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। अग्नि 5 से आप क्या समझते हैं? तो सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है अग्नि 5। एग्जाम में पूछा जाएगा, मिसाइल और हथियारों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चरकुला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में होता है चरकुला नृत्य। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने अपना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ध्वनि मापक की इकाई क्या है? तो डेसीबल से ध्वनि को मापते हैं। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा में होने के कारण हरित गृह प्रभाव या गर्मी का अनुभव बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। प्रसिद्ध शहर आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने प्रसिद्ध शहर आगरा को बसाया था। आगरा किस नदी के किनारे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं।
भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो दामोदर नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैज्ञानिकों ने किस राज्य में परजीवी पौधे का पता लगाया? तो वैज्ञानिकों ने किस राज्य में परजीवी पौधे का पता लगाया? तो नागालैंड में परजीवी पौधे का पता लगाया। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो तारापुर परमाणु प्लांट भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र है। व्हाट हैपेंड पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिलेरी क्लिंटन के द्वारा व्हाट हैपेंड नाम की पुस्तक को लिखा गया है। बुक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की स्थिति को मनाते हैं, तो हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता तिथि दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के अनुसार भारत किस तारीख तक गरीबी भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा? तो 2022 तक भारत गरीबी भ्रष्टाचार और आतंकवाद से मुक्त हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाते हैं? तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर वर्ष मनाते हैं। अग्नि 5 किस माध्यम में मार कर सकती है? तो सतह से सतह पर मार कर सकती है अग्नि 5। हल्दी घाटी की लड़ाई किन किन के बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस तीव्रतम गति वाले भारतीय सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है? तो प्रत्युष नाम का सुपर कंप्यूटर भारत ने लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। हरबा की मारक क्षमता क्या है? तो हरबा जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो मुंबई में भारत में पहला सूती कपड़े का कारखाना स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना राशि के रूप में कितनी राशि निर्धारित की है? 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दिल्ली सरकार ने जुर्माने के रूप में 10,000 रुपये राशि तय की है। किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? तो बिहार ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है। उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी खेलने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे दी है? तो बिहार राज्य की क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 25 जनवरी 2018 को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानी क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानी क्षेत्र को प्राचीन भारत में मध्य क्षेत्र के नाम से जानते थे। किसे? मध्य देश के नाम से जानते थे। ग्वाइटर रोग किस खनिज के तत्व से संबंधित है? तो आयोडीन की कमी से गले में घेंघा ग्वाइटर रोग होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। अग्नि 5 मिसाइल को किसने बनाया? तो DRDO संस्था अग्नि 5 मिसाइल को बनाया। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस भारतीय राज्य में सीवर सफाई हेतु रोबोट का प्रयोग करने की सहमति प्रदान की गई है? तो केरल में सीवर की सफाई हेतु रोबोट का प्रयोग करने की बात कही गई है। वॉट सेकंड किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है वॉट सेकंड। भारत में उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो 9 नवंबर सन 2000 को भारत में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। रेबीज क्या है? तो विषाणु जनित रोग है रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो भारत के केरल में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है। भारत का सबसे गहरा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम भारत का सबसे बड़ा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, हरे कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। गोबर गैस बायोगैस के मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस में बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सर्वप्रथम पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है भारत का। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। 179, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान क्या है?
दूसरे नंबर पर है भारत। कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन गैस से कोयलों की खानों में विस्फोट होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो लोहा और निकल का बना होता है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो मुगल काल में फारसी भाषा बोली जाती थी। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना? तो 27वें नंबर का उत्तराखंड राज्य बना। एक डिजिटल फोटोग्राफ का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है? तो पिक्सल में मापा जाता है डिजिटल फोटोग्राफ का रिजोल्यूशन। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मिश्रण क्या होता है? तो एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन ज़्यादा होती है, एथेन कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शहद कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकता है? तो हज़ारों वर्षों तक शुद्ध शहद सुरक्षित रह सकता है। प्रारंभ में रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 33 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम तक मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर आप लगा सकते हैं। विकसित होने पर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 26 हड्डियां हो जाती हैं। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहां पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? तो लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। बिहू किस प्रदेश का लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू जो है असम का लोकप्रिय उत्सव है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जानते थे। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद होती है। धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाते हैं। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये दिन और दिवस जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। दिल्ली एसआई का ये टेस्ट पेपर जो मैंने आपको अभी दिया है, इसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन दिल्ली एसआई में पूछे जा चुके हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तो हमारी क्लास के क्वेश्चन हर एग्जाम में मोस्टली पूछे गए हैं, तो आप पुराने टेस्ट पेपर्स को भी देख लीजिएगा। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 21 अक्टूबर को मनाते हैं। दोस्तों तो ये था 200 क्वेश्चन का जीके का टेस्ट पेपर जो मैंने आपके लिए बनाया है। और इस टेस्ट पेपर में से 2018-2019 में ऑलरेडी टेस्ट पेपर में से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2020 के एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, इसको घोट कर पी जाना। कम से कम 20 क्वेश्चन इस 200 में से ज़रूर आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेट पेपर है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। प्लीज़ लाइक करने में पीछे मत रहिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। जीके की लाइव क्लास मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, रोज़ लाइव पढ़ाता हूँ 6:30 बजे से। आप रोज़ मुझसे मॉर्निंग में लाइव भी पढ़ सकते हैं जीके, तो ज़रूर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।